गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वनाथ सर श्री विजय टीआई फुल्लनपुर गाजीपुर से आपके लिए अर्थिंग का तीसरी क्लास ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। आइए देखते हैं इसमें 126 यानी 126 का क्वेश्चन, जिसमें आपका दिया गया है पृथ्वी प्रतिरोध मापन की कौन सी विधि। चित्र बनाया हुआ है आपका, इसमें पूछ रहा है कि जो प्रतिरोध मापन होता है वो विधि कौन सी है, तो इसे अर्थ रेजिस्टेंस भी कहते हैं और अर्थ रेजिस्टेंस को हम अर्थ टेस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा अर्थ टेस्टर या अर्थ जो रेजिस्टेंस होता है, इसे भू परीक्षण मेगर विधि के सिद्धांत पे या विभवपात के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें एक इलेक्ट्रोड के साथ दो सहायक इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसे हमने देख यहाँ पे देखिए, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, दो ये इलेक्ट्रोड है, जिसे हम बी और सी के नाम से जानते हैं। इन ए और बी या बी सी के बीच मिनिमम जो दूरी होती है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से ये आपको दर्शाया गया है, यह 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब आगे आपको दिखाते हैं, जो ए बी और सी इनके जो रास्ते होते हैं, इनके रास्ते में हम करंट प्रवाहित करते हैं जो ए से होते हुए सी तक जाती है, और जब सी तक जाती है ए और बी के बीच में विभव का पतन होता है, जबकि बी और सी के बीच में विभव पतन कम होता है। इसे ही हम इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को नापते हैं। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन आपका दिया है करंट का कम होना। यह दिखा रहा है इसमें कि यहाँ से करंट का मान क्या होता है, कम होता है, यानी कि इसका भी क्या होता है, करंट का मान जस आगे बढ़ता है, जैसे कि ए से बी, बी से सी की तरफ, तो करंट का मान क्या होता है, कम होता है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है विभव का पतन, यानी कि विभव मतलब पोटेंशियल, यानी कि जो इसका पतन हो रहा है ए और बी के बीच और बी से सी के बीच। आइए अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं, सी धारा विभाजन, यानी कि डिवाइडेड, यानी कि इसमें ए और बी में धारा कुछ और हो रही है जबकि बी और सी में धारा कुछ और है, यानी कि धारा इसमें क्या हो रही है, बट रही है। आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ धारा कहाँ बटेगी, कोई लोड तो हम दिए नहीं है। अगला आपका है विभव विभाजन, यानी कि यहाँ वोल्टेज को क्या हो रहा है, बट रहा है, यानी कि ए और बी में कुछ और वोल्टेज है जबकि बी और सी में कुछ और वोल्टेज है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर चित्र से देखा जाए तो ए सी और डी ये तीनों क्या हैं, गलत हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे विभव का पतन हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका दिया हुआ है 127 127। इसमें यह बता रहा है आईई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन में देखते हैं कि जो हमारा हार्मोनिक विकृति से जो नियंत्रित होता है उसे हम कैसे नियंत्रण करते हैं। तो उदासीन को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, इसमें दिया हुआ है प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई, जिसको इसको कह सकते हैं कि प्रतिबाधा के माध्यम से कंट्रोलिंग, जिसको ये कमाई कह रहा है। आइए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ प्लेट अर्थिंग द्वारा प्रदान करना। तो ये बताइए, प्लेट अर्थिंग जो नीचे आपका लगा होता है, यह भू को प्रदान करेगा ना, कि हमारा भू का रेजिस्टेंस कैसा होगा, अगर उसका व्यास ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, व्यास कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, न कि यह हार्मोनिक विकृति को कंट्रोल करेगा। अगला आपका है चालक का आकार बढ़ाना, अगर हम चालक का क्या करें, साइज बढ़ा दे रहे हैं, तो साइज बढ़ाएंगे तो नीचे ना बढ़ेगा, जबकि हमारा
हार्मोनिक विकृतियां जो ऊपर होती हैं, लासेस जो हमारा विकृति नियंत्रण ये ऊपर होता है, न कि नीचे के तरफ होता है। अगला दिया है समांतर अर्थिंग देना। तो जब एक अर्थिंग है, देखिए ये एक अर्थिंग है, इसके साथ एक और हम समांतर अगर अर्थिंग जोड़ देते हैं तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बट जाता है और क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये तो रेजिस्टेंस को कम करेगा। लेकिन अगर हम प्रतिबाधा को, ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रतिबाधा के माध्यम से अगर कम करते हैं तो बिल्कुल जो हार्मोनिक विकृतियाँ हैं ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाती हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या है, सही है, प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 128। तो 128 में आपका दिया हुआ है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रम का क्या कार्य है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा अर्थ परीक्षण है इसमें बताइए कि धारा का जो उत्क्रम का मतलब यहाँ कह सकते हैं एक परिवर्तन, यानी कि रिवर्स करना। तो इसका ये होता है कि आपूर्ति को हम एसी सप्लाई को कह सकते हैं कि बदल सकते हैं या बदलना। तो जब हम भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध मापन में डीसी सप्लाई का क्या करेंगे, उपयोग करते हैं, और जब हम इसका उपयोग करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का प्रभाव मापन में हस्तक्षेप होता है। जब डीसी सप्लाई पे करते हैं तो इसका क्या होता है, हस्तक्षेप होता है और रीडिंग क्या होती है, हमारी गलत आती है। इस रीडिंग को सही लाने के लिए, या कह सकते हैं इस रीडिंग को गलत जो आती है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डीसी को एसी में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था, क्या करते हैं, शुद्ध रूप से जो हमारा रीडिंग मीटर देता है वो तो डीसी पे क्या करता है, गलत देता है। इसलिए गलत देता है क्योंकि ईएमएफ हमारा क्या करता है, उसमें उसको हस्तक्षेप करता है। तो जब हस्तक्षेप करेगा तो बिल्कुल आएगा, इसलिए हम एसी का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जो रीडिंग हो शुद्ध आए। तो आइए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, आपका दिया हुआ है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर जो हम ए आपको बता रहे हैं हमारी परिभाषा से क्या है, अलग है। अगला है आपका बी, इसमें दिया हुआ है डीसी की ध्रुवीयता को उलट देता है। अगर डीसी की ध्रुवीयता को यानी उल्टा कर दे, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ उसकी यानी कि प्लस को माइनस और माइनस को अगर प्लस कर दे तो इस पर क्या, तो क्या कोई चेंजिंग होगा, बस जो हमारी धारा है जो प्लस सिरे से जा रही है उसको सिर्फ उल्टा कर रहा है। आइए अगला देखते हैं, चेंजिंग डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई, यानी डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना। अगला आपका है डी, जनित्र की घूमने की दिशा बदलना। अगर जनित्र की घूमने की दिशा हम बदलते हैं तो करंट तो हमारा वही रहेगा, अगर एसी है तो एसी ही रहेगा, बस उसकी जो चलने की दिशा है वो क्या होगी, बदल क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी इन चार ऑप्शन में हमारा सी वाला ऑप्शन सही है कि डीसी सप्लाई को हम एसी सप्लाई में क्या करते हैं, बदल देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका दिया हुआ है गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है। यानी कि एक गूथा हुआ कंडक्टर है और एक ठोस कंडक्टर है, दोनों की तुलना कर रहे हैं। या गूथा हुआ कंडक्टर का मतलब एक दूसरे में क्या है, लपेटा हुआ कंडक्टर है। तो यानी कि एक दूसरे में अगर हम कंडक्टर को लपेटते हैं तो वही कंडक्टर लिपटाता है जो क्या हो, लचकदार हो, क्या हो, लचकदार हो। जबकि ठोस कंडक्टर क्या होता है, उसे हम गूथ नहीं सकते, इसलिए उसे हम कहते हैं क्या, ठोस कंडक्टर। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है कास्ट इज लेस, यानी लागत कम है। अगला है बी, मोर फ्लेक्सिबल अधिक लचीला, जबकि अगला आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, लेस वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि कम वोल्टेज पाथ, जबकि डी वाला दिया है अधिक कुचालक प्रतिरोध, यानी कि मोर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, यानी कि अधिक कुचालक का प्रतिरोध। तो आइए इन ऑप्शन नंबर
देखते हैं कौन सा सही है। तो देखिए जब लचीलापन पूछ रहा है, यानी कि एक ठोस कंडक्टर, तो इसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, क्योंकि ठोस कंडक्टर को वो अधिक लचीलापन नहीं होता है, जबकि जो गुथे हुए हमारा कंडक्टर है वो क्या होता है, अधिक लचीलापन उसमें होता है। आइए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, जो कि आपका अगला क्वेश्चन 130, यानी कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है 130। आइए इसको देखते हैं, इसमें आपका दिया हुआ है पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। तो एक मान लीजिए कि पृथ्वी का प्रतिरोध है, हम जब अर्थिंग कर रहे हैं उस समय अर्थिंग के दौरान अगर हमें प्रतिरोध कम करना हो तो किस प्रकार से इस प्रतिरोध को कम करेंगे। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए, दोहरी अर्थिंग प्रदान करके, यानी कि जो दोहरी अर्थिंग प्रदान करने पे हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जबकि बी ऑप्शन दिया हुआ है अर्थिंग के लिए गड्ढे, यानी कि जब हम अर्थ के लिए उसकी गहरापन को क्या करें, बढ़ा दें, उस समय हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कम करना। अगला दिया हुआ है सी, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, जो इलेक्ट्रोड की हम क्या करते हैं, लंबाई बढ़ा देते हैं। तो ये बताइए, अगर किसी चीज़ की अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका जो हमारा रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, उसमें करंट का मान क्या होगा, कम होगा, उसके रास्ते से करंट क्या होगा, कम गुजरेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है, सही नहीं है। अगला ये देखते हैं, इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाना, अगर आप इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा, तो जो पहले की अपेक्षा क्या है, और कम होगा। लंबाई घटाएं तो रेजिस्टेंस भी साथ साथ में क्या करेगा, घटेगा। तो इन चारों ऑप्शन में आपका फर्स्ट जो ए ऑप्शन है वही हमारा 100 क्वेश्चन नंबर 130 का वही सही है, दोहरी अर्थिंग प्रदान कर कर। अगर हम आपको छोटा सा दिखाते हैं, 1/k अगर R1 प्लस 1/k अगर R2 है, यहाँ देखते हैं 1/k R1 प्लस 1/k R2, अगर हम इन लेते हैं इसका मैक्सिमम अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए कि हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना था, मान लेते हैं R बराबर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, R1 R2 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इनको अगर अलग अलग करते हैं और इनको साथ में करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जबकि 1+1 बराबर 2/2, यानी कि और हमारा रेजिस्टेंस का मान क्या हुआ, और क्या हो गए, कम आ गए। तो इस प्रकार से दोहरी हम अर्थिंग करते हैं ताकि हमारा अर्थ रेजिस्टेंस और क्या हो, कम हो जाए। इसलिए 130 का क्वेश्चन हमारा ये वाला सही है। इस प्रकार से आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। थैंक यू, अगले क्लास में आपको लेके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आएंगे।